नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और आपके कमेंट करने से पहले कि दीदी दीदी जो आपकी शर्ट है ना वो साइड से फटी हुई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फटी हुई नहीं है, दिस इज फैशन। ओके, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी बार ये हादसा हुआ है कि जब भी मैं ये शर्ट पहन के बाहर गई हुई हूँ और जो मेरे कोरियन फ्रेंड्स हैं, स्पेशली जो गाय फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा मुझसे बोलते हैं कि पूनम तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शर्ट साइड से फटी हुई है। And I'm like, dude, this is not pretty, this is fashion, okay? लेकिन लड़कों क्या पता फैशन के बारे में, right? So, don't say कि मेरी शर्ट फटी हुई है, okay? This is fashion, okay? Fashion. So, lesson start करने से पहले, please, जो भी आपके pen, pencil, किताब, notebook, जो भी है वो ले लीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ, okay? Come on. And let's start. So, back to the video. जो आज का lesson है वो है how to make a sentence in Korean. So, ये जो लेसन है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। सो बहुत सारी बार ये होता है कि जब भी फॉरेनर लोग कोरियन सीखना चाहते हैं तो वो हमेशा जो सबसे डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड थिंग होती है वो सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको हमेशा जो बेसिक थिंग होती है ना, जो सबसे ईजी थिंग होती है वो सबसे पहले सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक थिंग नहीं आती तो आप कैसे हाई लेवल ग्रामर या वोकैबुलरी सीख सकते हैं। तो आज की जो लेसन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है कि कैसे आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कोरियन लैंग्वेज में। और अगर आपको हिंदी आती है, अगर आप हिंदी बोलते हो, तो आपको सेंटेंस बनाना कोरियन में बहुत ही ईजी होगा। जो रीज़न वो ये है कि जो कोरियन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्डर होता है, वो सेम टू सेम हिंदी सेंटेंस की तरह होता है। सो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं क्या स्ट्रक्चर, क्या ऑर्डर, ये क्या चीज़ है। लेट्स मेक सम सेंटेंस। क्या आपको पिज्ज़ा पसंद है? तो हिंदी में आप कैसे बोलोगे कि आप पिज्ज़ा खा रहे हो? आप बोलोगे मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ। मैं मतलब कि सब्जेक्ट, पिज्ज़ा ऑब्जेक्ट, खा रही हूँ वर्ब। तो जो कोरियन लैंग्वेज है वो सेम टू सेम ऑर्डर होता है हिंदी की तरह, मतलब कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सो मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ, आई ईट अ पिज्ज़ा। कोरियन में आप बोलोगे छो, मतलब कि मैं पिज्ज़ा, पिज्ज़ा मोगोयो, खाना खाना, छो पिज्ज़ा मोगोयो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ऑर्डर है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, सेम टू सेम हिंदी की तरह होता है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि सबसे पहले मैं क्या बोलूँ, वर्ब लिखूँ या ऑब्जेक्ट लिखूँ या सब्जेक्ट लिखूँ। जो आपका दिमाग है, जैसे कि आप हिंदी में सोचते हैं, सेम टू सेम आपको कोरियन में सोचना चाहिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं वो काफ़ी ईजी है ना। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कोरियन लैंग्वेज बहुत ही स्पेशल पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। वो होती है कि तब लोग कोरियन में बात करते हैं, बात करते हुए वो जो ग्रामर नोशन है उनको वो यूज़ नहीं करते, लेकिन तब वो लिखते हैं तो वो सारे ग्रामर नोशन यूज़ करते हैं। अगेन आई विल मेक एग्जाम्पल, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ। सो अगेन, छो पिज़्ज़ा मंगाया, आप बात करते हुए उसको बोल सकते हैं और आप बहुत ही नेटिव एंड नेचुरल साउंड करोगे, लेकिन तब आप लिखते हो तो थोड़ा अलग लिखना चाहिए, जो कि है छोनन पिज़ारे मोगोयो। सो छो पिज़्ज़ा मोगोयो, बात करते हुए, एंड छोनन पिज़ारे मोगोयो, लिखते वक्त। ये निन रे जो मैंने सेकंड सेंटेंस में ऐड करा है वो क्या है? सो बेसिकली निन वो है टॉपिक मार्किंग पार्टिकल और जो रे है वो है ऑब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल। सो बेसिकली जब भी आप अपना सब्जेक्ट लिखते हो सेंटेंस में, तो उसके बाद में आपको ऐड करना चाहिए निन या फिर इन। और जब भी आप ऑब्जेक्ट लिखते हो सेंटेंस में, तो उसके बाद में आपको ऐड करना चाहिए इर या फिर रे। छो बन जाता है छोनन, क्योंकि वो है सब्जेक्ट सेंटेंस का। पिज़्ज़ा वो है ऑब्जेक्ट सेंटेंस का, तो उसके बाद में आप लिखोगे रे। सो इन एंड निन वो सेम मीनिंग होती है उनकी, लेकिन निन को आप यूज़ तब करते हैं तब आपका जो सब्जेक्ट है वो एक वाउल से एंड करता है। सो छो और वो ओ से एंड करता है, जो कि है एक वाउल, तो उसके बाद में आप निन ऐड करोगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट एक कॉन्सोनेंट से एंड करता है, तो आप उसके बाद में ऐड करोगे इन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा नाम है पूनम, पूनम वो एंड करता है कॉन्सोनेंट से। तो अगर मैं कोरियन में बोलना चाहती हूँ कि पूनम पिज्ज़ा खा रही है, तो मैं बोलूँगी पूनमन पिज़ारे मोगोयो, पूनमन इन, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो म से खत्म होता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट। एंड सेम टू सेम फॉर द ऑब्जेक्ट इ एंड र।
र आप ऐड करते हो तब एक आपका ऑब्जेक्ट वो वावल से खत्म होता है. सो पिज्जा पिज्जा आ से खत्म होता है तो उसके बाद में आप र ऐड करोगे. लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट एक कॉन्सनेंट से एंड होता है तो उसके बाद में आप र ऐड करोगे. फॉर एग्जाम्पल बुक बुक जो मतलब कि किताब कोरियन में उसको बोलते हैं चेक चेक मतलब कि जैसा कि इंग्लिश में चेक चेक. सो चेक ख से खत्म होता है जो कि एक कॉन्सनेंट तो वो बन जाएगा छेग. ओके आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ. सो पिज्जा आ पिज्जा रे चेक छेग छन एंड फूनम फूनामन. सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ. सो अगेन लेट्स रिव्यू शॉर्टली कि मैंने अभी तक क्या बोला. सो हमेशा आपको लिखना चाहिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. तब आप लिखते हैं कोरियन लैंग्वेज में तो आपको अन र ऐड करना चाहिए क्योंकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है. लेकिन तब आप किसी से बात कर रहे हैं किसी के साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको अन र ऐड नहीं करना चाहिए. आप चाहो तो कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप बहुत ही किताबी साउंड होंगे अनैचुरल साउंड होंगे क्योंकि कोरियन लोग ये कभी भी बात करते वो कभी भी अन यूज़ नहीं करते क्योंकि काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है उनको बोलना अन यू नो व्हाट आई मीन. सो वो बात करते हुए उनको वो ओमिट करते हैं उनको यूज़ नहीं करते. सो अभी हम और एग्जांपल करते हैं ताकि कि आपको अच्छी तरह से पकड़ में आ जाए कि कैसे कोरियन सेंटेंस बनाते हैं. सो लेट्स से कि आप बोलना चाहते हो मैं पानी पी रही हूँ. सो कोरियन में पानी को बोलते हैं मुल पीना को बोलते हैं माशिदा और उसका जो प्रेजेंट टेंस होता है वो है माशोयो. सो कोरियन में वो बन जाएगा बोलते वक्त छो मुल माशोयो छो मुल माशोयो मैं पानी मुल माशोयो पी रही हूँ. और यही सेंटेंस ग्रामेटिकली लिखते वक्त आप उसको लिखोगे छोनन मुरुल माशोयो छोनन मुरुल माशोयो. नाउ लेट्स मेक मोर एग्जाम्पल. क्या आपको बीटीएस पसंद है? तो आई गेस कि आप सबको बीटीएस पसंद होंगे क्योंकि वो काफ़ी फेमस है और जो मेरी फैन फॉलोइंग है वो भी बहुत ही बड़ी बीटीएस की फ़ैन है. सो अगर आप बोलना चाहते हो कि आपको बीटीएस पसंद है तो पसंद को कोरियन में बोलते हैं छुआ हदा छुआ हदा. लेकिन प्रेजेंट टेंस में वो बन जाता है छुआ हेओ ओके. सो अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे बीटीएस पसंद है तो आप बोलोगे छो मैं मुझे छो बीटीएस छुआ है छो बीटीएस छुआ है मुझे बीटीएस पसंद है. लिखते वक्त आप बोलोगे छोनन बीटीएस छुआ है. अभी आप सोच रहे हो कि दीदी आपने बोला था कि जब कॉन्सनेंट से खत्म होता है तो आपको ल ऐड करना चाहिए तो आपने र ऐड क्यों करा बीटीएस के बाद में. सो बेसिकली द रीजन इज कि बीटीएस वो एक कोरियन का शब्द नहीं है. बीटीएस बेसिकली इंग्लिश लेटर्स हैं तो कोरियन ऑटोमेटिकली असूम करते हैं कि जब भी आपके पास एक फॉरेनर शब्द हो उसके बाद में आपको र लगाना चाहिए. ओके आई होप कि आई क्लियर्ड दिस थिंग. सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे कोरियन में सेंटेंस बनाते हैं. इट्स क्वाइट ईजी बहुत ही डिफ़िकल्ट या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे नहीं है काफ़ी ईजी है. तो इसीलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी और आपको होमवर्क में मैं आपको हिंदी में सेंटेंस दूंगी और आपको उनको कोरियन में ट्रांसफॉर्म करना है और उनके दोनों वर्जन लिखने हैं मतलब कि कैसे आप बोलते वक्त बोलते हो और कैसे आप लिखते वक्त कौन सी ग्रामर नोशन इस्तेमाल करते हो. सो नंबर वन सेंटेंस इज मैं मूवी देख रही हूँ. मूवी को कोरियन में बोलते हैं योंगभा योंगभा. देखना को बोलते हैं होदा उसका प्रेजेंट टेंस बन जाता है ह्वायो. तो उसका आपको सेंटेंस बनाना है कि मैं मूवी देख रही हूँ. सेकेंड सेंटेंस है मैं टेलीविजन देख रही हूँ. सो टेलीविजन को कोरियन में बोलते हैं टेलीविजन टेलीविजन टेलीविजन. ओके सो मैं टीवी टेलीविजन देख रही हूँ. नंबर थ्री सेंटेंस इज मैं जूस पी रही हूँ. सो जूस को बोलते हैं जूस. सो सेम टू सेम इन इंग्लिश. और पीने को बोलते हैं माशिदा उसका प्रेजेंट टेंस बन जाता है माशोयो. मैं जूस पी रही हूँ. नंबर फोर सेंटेंस है
मैं किमची खा रही हूँ. किमची को बोलते हैं किमची. एंड खाना को बोलते हैं मोक्ता, मतलब कि मोगोयो प्रेजेंट टेंस. नंबर 5 सेंटेंस वो आपके ऊपर डिपेंड है, मतलब कि आपको लिखना है कि मुझे समवन पसंद है. सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे BTS पसंद है, मुझे ब्लैक पिंक पसंद है, मुझे ली मिन हो पसंद है, जो भी आपका कोई फेवरेट एक्टर हो या कोरियन सिंगर हो या आइडल ग्रुप हो, उसके बारे में आप सेंटेंस बनाइए. तो पसंद को बोलते हैं छुआहदा और उसका प्रेजेंट टेंस बन जाता है छुआहे. सो ये जो 5 सेंटेंस है, प्लीज़ उनको आप प्रैक्टिस करिए. और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, अगर आप कुछ समझ नहीं पाए, तो कमेंट डाउन में प्लीज़ लिखिए. आई होप कि आपको आज की भी लेसन पसंद आई हो. और मुझे पता है कि एक नई लैंग्वेज सीखना काफ़ी ईजी नहीं है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है. तो प्लीज़ डोंट गिव अप, कीप फाइटिंग. एंड हमेशा जो सबसे अच्छी चीज़ें होती है वो आसानी से नहीं मिलती, तो उनके लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है. तो डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग एंड यू कैन डू इट. ओके, फाइटिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.